हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल गूगल केवल 15 GB ही स्पेस देने लग गया है, जिस कारण से बहुत लोगों के साथ ये समस्या हो रही है कि उनका जीमेल फुल हो जाता है और उसके अंदर न मेल आती है न जाती है, और बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि उन मेलों को किस तरीके से डिलीट किया जाए, किस तरीके से फास्टली उनको हटाया जाए, क्योंकि अनवांटेड मेल ज़्यादा आती है। जहाँ पे भी अपन गए, किसी चीज़ को रजिस्ट्रेशन किया, कुछ भी किया, वो मेल्स आती रहती है और वो बंद भी नहीं होती। तो मैं आज आपको यही सब कुछ बताऊंगा कि कितने फास्ट तरीके से अपन मेल को डिलीट कर सकते हैं, सर्च करके हटा सकते हैं। और आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें बताया गया है कि एक साथ बहुत सारी मेल्स को डिलीट कैसे करें, लेकिन उनमें वो 10-15 मेल्स को दिखाते हैं और उनको सेलेक्ट करके डिलीट करके बता देते कि ये फास्ट डिलीट हो गई। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको उससे ज़्यादा और फास्ट तरीके से डिलीट करना बताऊंगा और समझाऊंगा किस तरीके से अपन पूरी प्रोसेस करते हैं। दोस्तों, फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, ये मेरा जीमेल का अकाउंट है और इसके अंदर भी वार्निंग आ रही है कि अकाउंट स्टोरेज इज फुल। अब इसमें देखो, लास्ट में चलते हैं अपन, और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है 15.01 GB ऑफ 15 GB, मतलब 100% यूज में ले लिया है आपने और अब आपकी मेल कभी भी बंद हो सकती है। ये मतलब कि 15.20 तक शायद मेल आ जाती है, उसके बाद ये मेल भी बंद कर देता है। मेल आपकी न रिसीव होगी न सेंड होगी, तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और एक्चुअली क्या 15 GB में क्या क्या होगा, आपकी मेल्स भी आएगी उसके अंदर। आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हो तो उसके अंदर भी जो स्पेस आप काम में लेते हो वो भी काउंट होगी। इसके अलावा जो आप फ़ोटोज़ खींचते हो, मतलब मोबाइल में एक फ़ोटोज़ जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, तो जिसको ओपन करके अपन देख लेते हैं ओल्ड फ़ोटोज़, वो जो सेव होती है डायरेक्टली, वो सारी फ़ोटोज़ भी इसी 15 GB के अंदर सेव होती है। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ 15 GB में ही होना होता है। अब आपको पूरा मैनेजमेंट के साथ चलना होगा कि अपन 15 GB में क्या क्या कर सकते हैं। फालतू की फाइल्स हटानी पड़ेगी, नहीं तो वो फालतू की सेव होती रहती थी और अपना काम चलता रहता था। लेकिन अब समस्याएं खड़ी होने लग गई है कि ये 15 GB फुल हो जाता है, अब फिर क्या करें। तो आज मैं आपको ये अनवांटेड मेल्स हटाना बताऊँगा और किस तरीके से आप सर्च कर करके मेल्स को फास्टली डिलीट कर सकते हैं, वो भी तरीका समझाऊंगा। तो दोस्तों, इसके अंदर देखो, आप अगर यहाँ पे कोई मेल सर्च करते हो, सर्च में जाके, जैसे अपन को यूट्यूब से संबंधित मेल हटानी है, मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया, नो रिप्ले youtube.com वाली मेल्स, तो ये मेरी सारी मेल्स आ गई। लेकिन ये एक स्लॉट के अंदर ये 50 मेल आ रही है, देखो 1 in 50। इसमें मेल्स तो बहुत सारी है, ये तो 8 सितंबर तक ही है, बहुत सारी मेल्स हैं जो इसके अंदर है। तो इसके अंदर मैक्सिमम क्या ऑप्शन हो सकता है, तो सेटिंग में जाएंगे अपन, सी ऑल सेटिंग। यहाँ पे दोस्तों ये मैक्सिमम पेज साइज, यहाँ पे मैक्सिमम पेज साइज 100 हो सकती है लास्टली, तो अपन इसको 100 कर देंगे। डिफ़ॉल्ट 50 आती है, तो आप इसको चेंज करके 100 कर सकते हो। और देन इसके बाद आपको नीचे नीचे आना है और सेव चेंज पे क्लिक कर देना है और कुछ भी नहीं छेड़ना। ये आपकी सेटिंग चेंज हो गई है। मैं वापस से यहाँ पे सर्च करता हूँ यूट्यूब नो रिप्ले, और ये अपन देखते हैं इसके अंदर 100 मेल्स आ गई है और ये 100 मेल यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको मुझे डिलीट करना है, तो इसको मैं वन टाइम में 100 मेल डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे अपन क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, और ये सारी मेल सेलेक्ट हो चुकी है। देन इसके बाद डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। आपको इसी तरीके से डिलीट करना है, देन वो डिलीट हो गई है। ये अगला स्लॉट आ गया है, देखो 30 अगस्त से 9 अगस्त तक का। वापस से मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये सारी फाइल्स सेलेक्ट हो गई है, सारी मेल सेलेक्ट हो गई है, पूरी 100 मेल्स हैं। और वही प्रोसेस रहेगा डिलीट करने का, यहाँ पर से डिलीट किया,
इस तरीके से अपन 100-100 मेल डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आपने यहाँ पे 100-100 मेल डिलीट करना सीख लिया है, अब मैं आपको बताऊंगा कि वन क्लिक में मल्टीपल्स ऑफ मेल्स कैसे डिलीट करते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसका धन्यवाद, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बार में मल्टीपल मेल्स कैसे डिलीट कर सकते हैं। 100-100 मेल बताने का रीज़न ये था कि मान लो आपको चेक करना कि आपकी मेल्स कौन कौन सी है, एक बार उसको नज़र में निकालना है कि 100 मेल मैक्सिमम मेल सेलेक्ट करके और उनको एक साथ सेलेक्ट करके आप देख सको, इसलिए मैंने 100 मेल का ऑप्शन बताया। अब आप ऐसी मेल जो आपको देखना ही नहीं है कि उसको बस एक बार उस नाम से आपने सर्च किया और कितनी भी मेल हो वो डिलीट हो जाए एक ही बार में, तो वो ऑप्शन मैं अब बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे मुझे कोटक बैंक की मेल्स डिलीट करनी है क्योंकि ये फालतू की मेल्स आती रहती है। जैसे मैंने कोटक बैंक सर्च किया है, बहुत सारी मेल्स आ गई। अब देखिए ये 13 अक्टूबर से लेके यहाँ पे दिखा रहा 30 मई तक की मेल। मैंने सेकेंड ऑप्शन सर्च किया 101 से 200, और इसमें ये दिखा रहा है 17/10/21 तक का, ठीक है। मैंने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया, ये 201 से 300 तक पहुंच गई मेल, और ये दिखा रहा है 8/6/2021 तक का। इस तरीके से इसमें बहुत सारी मेल्स हैं मेरी जो कि कोटक बैंक से आई हुई होगी। अब मुझे इनको डिलीट करना है एक साथ, तो मैं इसको वापस बैक कर लेता हूँ उसी पोजीशन पे, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, देन इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल कन्वर्सेशन डेट मैच द सर्च, जो भी आपने जो भी सर्च किया है उससे रिलेटेड जो भी है वो सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन। अगर मान लो आपको वापस से डीसेलेक्ट करना है या हटाना है तो क्लियर सिलेक्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। अब मुझे लेकिन डिलीट करनी है कितनी भी मेल्स हो, तो इस डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा देन सारी मेल डिलीट हो जाएगी। अपन करके देखते हैं, डिलीट पे क्लिक किया, ये बोल रहा है कन्फर्म बल्क एक्शन, देन ओके, और कुछ टाइम लेता है कुछ सेकंड्स, और ये दोस्तों सारी मेल्स डिलीट हो गई एक ही बार में। इस तरीके से दोस्तों आप मैक्सिमम मेल्स डिलीट कर सकते हो। अगर बाय चांस आपकी कुछ मेल्स डिलीट नहीं हो तो आप दोबारा से सेकंड ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करके और कर सकते हो। अगर आपके लिमिट से भी ज़्यादा मेल्स होती है तो कई बार ये एक बार में डिलीट नहीं करता, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे इनबॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे ये 19,000 मेल दिखा रहा है, अगर मुझे ये पूरी डिलीट करनी है तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने और ये यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये सारी सेलेक्ट हो जाएगी और ये सारी एक ही बार में डिलीट हो जाएगी, अनरीडेबल मेल। इस तरीके से आप अगर चाहो तो वन क्लिक में जितने भी मेल्स है वो सारी डिलीट कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आप मेल डिलीट कर करके आपका स्पेस कम कर सकते हो ताकि आपकी मेल वापस से चालू हो सके। इसके बाद दोस्तों एक फ़िल्टर का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप आपकी जो बड़ी अटैचमेंट्स वाली मेल्स हैं उनको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया अटैच फिल्टर पे, देन इसमें एक ऑप्शन है साइज का, इसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे ग्रेटर देन पे, देन यहाँ पे अपन ने सेलेक्ट कर लिया 100 KB, यहाँ पे MB की जगह KB, क्योंकि मेल्स ज़्यादा बड़ी नहीं आती, तो 100 KB से ऊपर जो भी अटैचमेंट होगा वो हमें शो कर देगा। यहाँ पे इस पे अटैचमेंट वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, देन यहाँ पे अपन सर्च पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये दिखा दिया है इसने जितनी भी मेल थी 100 KB से ऊपर वाली वो सारी मेल्स यहाँ पे आ गई है। अपन चाहे तो यहाँ पे से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, ये आपको 100 मेल तो यहाँ दिखा देगा, ताकि आप चाहो तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी साइज के हिसाब से भी डिलीट कर सकते हो, फिल्टर में जाके यहाँ पे आप और भी बड़ी मेल हो जैसे कि 500 KB से ऊपर वाली, तो यहाँ पे 500 KB डाल के सर्च करोगे तो उससे ऊपर वाली मेल्स दिखा देगा, ताकि आपको आसानी रहे बड़ी मेल्स डिलीट करने में। और अगर आपके बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आते हैं
तो आपको बहुत आसानी रहेगी इस फिल्टर को यूज़ करने में, और आप बड़ी मेल्स को आसानी से डिलीट कर सकते हो, बड़े अटैचमेंट को डिलीट कर सकते हो, उनको सेलेक्ट करके एक बार देख के, और आप उनको आसानी से डिलीट कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा एक प्रमोशन का ऑप्शन होता है और एक सोशल का। प्रमोशंस के अंदर जितनी भी मेल्स हैं वो वन क्लिक में डिलीट हो जाती है। इसके अंदर मेरी मेल्स डिलीट करी हुई है इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा। सोशल के अंदर ये देखिए इसमें मेल्स हैं, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके और डिलीट कर देता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगी सारी मेल्स। वही यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये डिलीट हो गई। खैर इसमें अभी मेरे पास इतनी ही मेल थी, अगर ज़्यादा मेल होती है तो भी वो पूरी जो मैंने आपको बताया तरीका उस तरीके से आप डिलीट करोगे तो वो सारी मेल एक की क्लिक में डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा आपकी गूगल ड्राइव में अगर कोई फाइल्स रखी हुई है, कोई डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, कोई पिक्चर मूवी या फोटोज़ कुछ भी रखी हुई है उनको डिलीट करना है, अगर वो बेकार में रखे हुए हैं तो आपको कहाँ से डिलीट करना है ये इस पर क्लिक करेंगे। देन आपको आना है यहाँ पर ड्राइव पर। देन इसके अंदर देखो ये कुछ फाइल्स रखी हुई हैं, उन फाइल्स में से आपको किसी को डिलीट करना है तो यहाँ पे जैसे ये फाइल है तो इस पे राइट क्लिक करेंगे देन यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा। इस रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। देन इसके बाद आपको ट्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो वो जो रिमूव करी है वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से इसको इम्पिटी कर देना है, इम्पिटी ट्रेस इस पे क्लिक करके और उसको रिमूव कर देना है। इस तरीके से गूगल ड्राइव के अंदर जो भी आपकी वेस्टेज फाइल्स होगी, जो भी बड़ी फाइल आपने डाउनलोड करके रखी हुई है, जो भी पिक्चर्स रखी हुई है, फ़ोटोज़ रखी हुई है, उन सब को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो ताकि आपका स्पेस खाली हो सके। दोस्तों अपन बैक के लिए वापस उसमें जाते हैं इनबॉक्स में। दोस्तों वापस इनबॉक्स में आते हैं और इसमें मैंने आपको सब कुछ मेल डिलीट करना बताया है, लेकिन लास्ट में आपको इसके अंदर जाना है ट्रेस में और यहाँ पे क्लिक करके वो सारी मेल जो आपने डिलीट करी है वो सारी मेल्स यहाँ पे आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जब तक आप इनको डिलीट नहीं करोगे जब तक आपका पूरा स्पेस खाली नहीं होगा। देन इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे से क्लिक करना है। देखो इसके अंदर दोस्तों 2688 मेल्स हैं, इस पर क्लिक किया मैंने सेलेक्ट ऑल और देन डिलीट। इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है डिलीट फॉर एवर, इस पर क्लिक किया देन ओके और ये सारी मेल्स परमानेंटली डिलीट होने जा रही है। स्टॉप करना चाहो तो बीच में स्टॉप कर सकते हो, कुछ सेकंड्स लेता है और ये सारी मेल्स वन क्लिक में डिलीट हो चुकी है। और अब आपका स्पेस धीरे धीरे खाली हो जाएगा अगर आप मेल्स डिलीट करते चले जाओगे तो। इस तरीके से आप अपना इनबॉक्स खाली कर सकते हो, आपकी जीमेल खाली कर सकते हो और आपके स्पेस को बढ़ा सकते हो, मतलब खाली स्पेस बढ़ा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर फोटोज वाला जो ऐप होता है उसमें जाके अगर आपकी फोटोज जो वेस्टेज फोटोज है उनको डिलीट करोगे तो भी स्पेस आपका 15 GB में से कम हो जाएगा। उसके अंदर जाके क्या होता है कि जब आप पिक लेते हो या कोई वीडियो बनाते हो तो वो सारा डेली उसके अंदर अपलोड होता चला जाता है, तो कई बार बिना फालतू की पिक्चर्स भी उसमें अपलोड हो जाती है, आपने जो वीडियो बनाया वो भी अपलोड हो जाता है, तो वो फालतू के अपलोड्स हो जाते हैं और आपका स्पेस बढ़ जाता है और वो स्पेस भर के और बिल्कुल सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती है। ना फोटोज़ वाला ऐप काम करता है ना आपकी मेल काम करती है, तो वहाँ पर जाइए और उनको फ़ोटोज़ को डिलीट कीजिए जो वेस्टेज है और आपका स्पेस खाली हो जाएगा, फिर वापस से सारी चीज़ें चल जाएगी। दोस्तों अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।